गुड आफ्टरनून ओके सो हमारे पास आज टॉपिक है डू यू रिमेम्बर दिस नेम ने क्या yes, इनका रोल किया था कंट्रीब्यूशन क्या थी थियोसोफिकल सोसाइटी सर इन्होंने किया था सर कंट्रीब्यूट एंड कॉन्ट्रीब्यूट जी home. एक तो थियोसोफिकल सोसाइटी वेरी गुड तुम्हारा क्या नाम है पंकज 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 वेरी नाइस थियोसोफिकल सोसाइटी और Home rule is, uh, home rule. Home rule movement चलाई थी और एक और एक चीज है एनी बिस वॉज ओपोजिट टू महात्मा गांधी इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी रिजेक्ट किया था उसको सपोर्ट नहीं किया था वो ऐसा क्यों किया गया था ठीक है

इट इज वेरी क्लोज टू 1947 एंड 1847 का अगर हम लिंक देखते हैं तो 1847 में इनका बर्थ होता है इनकी मदर का नाम एमली था और ये एक कंप्लीट फुली आयरिश लेडी थी और इनके जो फादर थे उनका नाम था विलियम पेज वुड और ये हाफ इंग्लिश थे और हाफ आयरिश थी अब समाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है कि जो मिसेस एनी बीसेंट थी, वाज़ ही एन ब्रिटिश ओरिजन लेडी और ए आयरिश ओरिजन लेडी दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ट सो इसका जो ओरिजन था वो आयरिश था शी वाज़ ए आयरिश ओरिजन लेडी थी यहाँ पे और एनी बीसेंट को अपने आयरिश होने के ऊपर एक काफी शी वाज़ वेरी प्राउड ऑफ इट ऑल्सो और दैट इज वाई जो आयरलैंड के लिए सेल्फ रूल की मूवमेंट चलाई गई थी उसमें एनी बीसेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमें देखने को मिला है एंड दैट इज व्हाई 1916 में जब होम रूल मूवमेंट चलाई जाती है उसका भी इंस्पायरेशन जो है वो हमें एनी बीसेंट की जो होम रूल जो आयरलैंड की मूवमेंट थी उससे काफी इंस्पायर होके मिलता है एनी बीसेंट की बचपन की लाइफ जो थी वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी या इतनी ज्यादा पीसफुल नहीं रही है क्योंकि व्हेन शी वाज फाइव ईयर ओल्ड तो इनके फादर की डेथ हो जाती है तो एनीबीसेंट का एक और भी ब्रदर होता है तो दो बच्चे होते हैं जिसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो एमली के कंधों पे आ जाती है और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो एमली होते हैं ये एक बोर्डिंग हाउस चलाए जाते हैं एक स्कूल था लंदन में हैरो स्कूल उसे कहा जाता है हैरो स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एडमिशन लिया था जहाँ पे काफी इंडियन और बाकी लोग जो थे वहां पे पढ़ने जाते थे तो वहां पे उसके साथ उन्होंने एक बोर्डिंग हाउस जिसे हम आजकल जिसे पीजी अकोमोडेशन हम आजकल लेते हैं तो इस तरह से इन्होंने एक बोर्डिंग होम हाँ जो था वहां पे बनाया लेकिन फिर भी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी दैट शी कैन टेक केयर ऑफ एनी बीसेंट और इनको प्री इनकी जो एजुकेशन वगैरह इसको जो है दी जा सके तो तब एमली की एक क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम था मिस मैरियट मिस मैरियट जो थी शी वॉज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल लेडी तो इनकी मदर ने रिक्वेस्ट किया मिस मैरियट को कि वो इनको हेल्प करें खास करके इन द केस ऑफ द एनी बीसेंट और एनी बीसेंट को एजुकेशन में थोड़ा इनको कंट्रीब्यूट करें तो तब एनी बीसेंट का जो एजुकेशन था वो पूरे का पूरा मिस मैरियट की नीचे हुआ है और इनके नीचे इन्होंने पूरा एजुकेशन अपना कंप्लीट किया और उस समय अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी वाज क्वाइट कंजर्वेटिव एंड दैट इट वाज नॉट वेरी लिबरल तो शादियां जो थी वो जल्दी हो जाती थी और जो अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो इट वाज बेसिकली पेट्रियल होल्ड वहां पे बहुत ज्यादा था सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी वुमेन्स के बाद बहुत ज्यादा राइट्स नहीं हुआ करते थे जैसे कोई राइट टू प्रॉपर्टी कोई राइट right वोमन के पास नहीं हुआ करता था तो इनकी शादी 20 साल की उम्र में एक लंडन में एक प्रीस्ट होते हैं जिनके साथ इनकी शादी होती है आ, फादर फ्रैंक बीसेंट के साथ इनकी शादी हो जाती है अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बीसेंट नाम इनके साथ चलता है तो ये बीसेंट नाम इनको फ्रैंक बीसेंट के साथ शादी करने के बाद मिलता है स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलता है इनके दो बच्चे भी होते हैं लेकिन फ्टर समाइम इनके फादर के जो हजबेंड है उनके साथ डिफरेंसेस क्रॉप अप होने शुरू हो जाते हैं कारण इसके दो तीन थे पहला एक कारण था दैचुरली मनी दैट इज ऑलवेज दर रीजन मनी में ये था कि एनी बीसेंट जो थी शी वॉज ए वेरी प्रोलिफिक राइटर और शुरू से ही ये जर्नल्स न्यूज पेपर और हम चीजों में काफी लिखा करती थी तो इनसे इनको कुछ इनकम आती थी लेकिन उस समय जो सोसाइटी का एक कंजर्वेटिव होल्ड जो था उसके अंदर जो इनका हस्बैंड था वो कहता था कि एज वोमेन जो है उसके पास कोई अपना राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है सो इट मीन्स दैट वट एवर मनी यू आर अर्निंग इट इज माइन सो यू हैव टू गिव इट टू मी दैट वॉज द वन पॉइंट सेकेंड थिंग जो एनी बीसेंट थी शी वॉज वेरी ओपन माइंडेड अबाउट हर थिंकिंग ऑल्सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओवर द इशू ऑफ द बर्थ कंट्रोल तो बर्थ कंट्रोल को लेके भी काफी ज्यादा जो उस समय की जो थोड़ा फेमिनिस्ट वोमेन फेमिनिस्ट थे प्रोटेस्टिंग के जो राइट टू बर्थ है ये एक वोमेन का एक इंटरनल राइट right है एंड इट शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय चर्च एंड सम सम काइंड ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशन तो इसके लिए ये अब चर्च इस चीज को लेके रिसेप्ट नहीं करती थी कि किसी तरह का कोई बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टी का यूज किया जाए जो हम आज की डेट में भी देखते हैं कि इस तरह के इशू हमें आज भी कंजर्वेटिव मॉडर्न स्पीच जो हमारी टॉक है उसमें हमें देखने को मिलते हैं बर्थ कंट्रोल को लेके तो इन्होंने इसको भी सपोर्ट किया फिर ये उस समय के जो पॉलिटिकल मुद्दे थे उनके ऊपर भी अपने ख्याल रखते थे अब ये दो तीन चीजें ऐसी थी जिससे इनके हस्बैंड को काफी खफा थे एंड इनके हस्बैंड को लगा कि नहीं वी कैन नॉट गो फॉर इट अब अलग हो गए इनका सेपरेशन हो गया अब अगर ये डिवोर्स में जाते थे तो देन इट वॉज ए वेरी लॉन्ग एंड वेरी कॉस्टली अफेयर सो दैट इज वाई शी सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड और हस्बैंड सेपरेट होकर इन्होंने अपना लाइफ अलग किया यही रीजन है कि हम इनके नाम के साथ जो है एनी बीसेंट नाम भी इन्होंने हमेशा अपना यूज किया तो स्टार्टिंग में तो इस तरह का जो इनका एटमोस्फेयर था उसमें से निकले यहां से एनी बीसेंट जो थे ये ज्यादा एक लिबरल एटीट्यूड के के कारण से तो इन्होंने चर्च चर्च और जो चर्च के साथ जो साथ सिस्टम था जो बहुत सारे सुपरस्टिशन और बहुत सारे जो रिचुअल सिस्टम उस समय चल रहा था जिसको इन्होंने बोला कि दिस ये एक ऑर्थोडॉक्सी जिसको उन्होंने चैलेंज किया और इन्होंने माना कि दिस इज नॉट द वे

तो जिसके लिए एनी बीसेंट जो थी इन्होंने एक नेशनल रिफॉर्मर जो उस समय लंदन का एक नेशनल सेकुलर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पेपर होता है उसमें काम किया और इस काम के ऊपर इन्होंने बहुत सारे पोलिटिकली लिटरेरी वर्क लिखे जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी बहुत सारे पैम्फलेट्स लिखे और अगर हम ये पीरियड देखते हैं आठ दस साल का 1878 टू तो, 1886 के अंदर इन्होंने काफी अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखा इसी टाइम के ऊपर ही आ, लंडन में कुछ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले जैसे कि एटीज के दौर में एटीन के दौर के पास लंडन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो गया इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज वेरी हाई जिसके चलते यो यंग उस समय के थे दे इन लंडन इसको ट्रैफल गर्ल्स केयर प्रोटेस्ट भी कहा जाता है और इसे ब्लडी संडे भी कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे उस समय लाठी चार्ज हुआ और पुलिस ने जैसे फोर्स का यूज करके उसको कंट्रोल किया उसमें एनी बीसेंट का एक प्रोमिनेंट नाम आता था कि दिस वाज डन बाय द एनी बीसेंट और इनकी सपोर्ट से हुआ फिर वोमेन के इशू के लिए जैसे मैच मेकिंग इंडस्ट्री होती ना जहाँ पे माचिस बनती है तो माचिस में व्हाइट फॉस्फोरस का यूज बहुत किया जाता था तो वहां पे क्या होता था कि उस केमिकल का अगर यूज करना है तो अगर आपके पास प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती जिसके कारण एक जैसे फेस वगैरह जॉब वगैरह होते थे तो उसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते थे वहाँ पे तो जिसके चलते उनको जो सैलरी होती थी वोमेन्स को एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन वो भी ज्यादा नहीं मिलती थी तो इन्होंने उस समय वोमेन के इशू के लिए लंदन में मैच मेकिंग इंडस्ट्री का वहां पे जो था वो भी वहां पे प्रोटेस्ट किया इसके बाद जो डॉक यार्ड थे जो वहां के डॉक यार्ड थे जो शिप के अंदर जो वहां की जो यूनियंस थी उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया तो लंडन में शी वॉज ए नॉन पर्सनैलिटी पर्टिकुलरली फॉर हर ट्रेड यूनियन वर्क फॉर द काज ऑफ पीजेंट वर्क एज वेल एज फॉर द काज ऑफ वर्कर यूनियन के लिए इन्होंने अपना काफी काम किया और इसी के लिए लंदन में ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यहाँ पे घूमते रहते हैं अब ऐसा क्या होता है कि जो है ये लंदन की पोलिटिकल एक्टिविटीज को छोड़ के ये इंडिया आती है टर्निंग पॉइंट क्या आता है तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे इनके कैरियर में जो आता है मैडम ब्लैवस्काई जिनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन रखी गई थी उनके द्वारा एक वर्क बताया गया था दैट वॉज इस डॉक्टर को पढ़ने के ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इन्फ्लुएंस होने के चलते इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको ज्वाइन किया ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो फाउंडेशन थी इट वाज लेड बाय मैडम ब्लैव एंड कर्नल ऑलकूट ने 1875 में रखा 1891 में ब्लैव की जो थे इनकी डेथ हो जाती है और इसके चलते इस सोसाइटी की पूरी जो भागदौड़ जहां कमांड है वो किसके हाथों में आ जाती है एनी बीसेंट के हाथों में आ जाती है अब एनी बीसेंट अभी भी अपने इसी इशू के साथ यहां पे वर्कआउट थी 1893 में देर वाज द शिकागो की जो वर्ल्ड फेमस पार्लियामेंट होती द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट दाइम उसके अंदर एनी बीसेंट भी जाती हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी अब सोसाइटी जो थी इट वाज़ बेसिकली बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्म इन द थ्योरी ऑफ री इंकरनेशन पुनर्जन्म वगैरह हो गया और और भी तो जैसे हम थोड़ा बहुत मिस्टिसिज्म की बात कर देते हैं आध्यात्मिक एक आ, जो सोच की बात करते हैं उसके लिए मैं थोसॉफिकल सोसाइटी काम किया करती थी 1893 तक तो यही माना जाता था कि अगर किसी कोई नॉलेजेबल कोई लैंड है वेदर इट इज ए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी तो वो वेस्ट है वेस्ट है और वेस्ट है इंडिया क्या है इंडिया इज ए लैंड ऑफ इग्नोरेंट इंडिया क्या है इट इज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर सो हिस्ट्री में हम एक टर्म भी पढ़ते हैं दैट इज द व्हाइट मैन बर्डन so it is our responsibility that we uh, we make the सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी the religious philosophy and all these kind of things इसी के चलते 1893 की ये वर्ल्ड फेमस शिकागो के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें कौन पहुंच जाते हैं स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को जब कहा जाता है कि भाई कहाँ से आए हो इंडिया से इंडिया से आए हो तुम यहां पे क्या कर रहे तो बोला भाई आपकी कॉन्फ्रेंस है तो जहां पे सभी लोगों को बुलाया है तो मैं भी आ गया यहाँ पे टाइम तो तो नहीं है तो दो मिनट का टाइम तो होगा दो मिनट ही दे दो दो मिनट बोल के तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे अब स्वामी विवेकानंद जैसी पर्सनैलिटी के लिए दो मिनट भी दो घंटे के बराबर होते हैं तो स्वामी विवेकानंद जहां पे गए और जैसी उन्होंने स्पीच किया और जो उन्होंने एड्रेस किया वहां पे जाके द माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स तो अब यू नो दिस दिस इज द इमीडिएट लिंक अगर हम किसी को भाई या बहन या इस तरह की कोई नाम से बुलाते हैं तो एक इमीडिएट इमोशनल लिंक बन जाता है वो चाहे वी आर सी अपार्ट चाहे हमारे कल्चरल रिलिजन सोशल कोई भी डिफरेंस हो लेकिन ये दो वर्ड ऐसे हैं जो एक इमीडिएट बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं इसमें कोई ब्लड रिलेशन होने की जरूरत नहीं है तो स्वामी विवेकानंद को भी जब उन्होंने माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर कहा तो एक तरफ पूरे का पूरा हॉल जो था वो ताड़ियों से गूंज उठा एंड दे नाउ वे बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड टू लिसन और उसको सुनते सुनते स्वामी विवेकानंद जी ने जब इंडियन रिलिजन हमारे हिंदुइज्म, हमारी हिंदुत्व और हमारी जो जो हमारे वेद और हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में जब उन्होंने बताया तो वर्ल्ड को पता चला जिसको हम एबीसी सिखाने जा रहे थे वो तो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर बैठा है व्हाट वी कैन टीच इंडिया इन द रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी दे आर ऑलरेडी डूइंग द पीएचडी इन दिस तो इनका तो मुकाबला इट इज वट वी नीड टू लर्न फ्रॉम इंडिया नॉट वी कैन टीच समथिंग इन द रिलीजन फ्रंटियर इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का यह मानना था कि हाउ द वर्ल्ड कैन बिकम ए बेटर प्लेस इट नीड ए मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ईस्ट को क्या जरूरत है ईस्ट को जरूरत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एडवांस नॉलेज की जो वेस्ट के पास है अगर वेस्ट ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस साइंटिफिक नॉलेज ईस्ट के साथ शेयर कर दे और ईस्ट के पास क्या है द ता योग द फिलोसफी जो ईस्ट के पास है ईस्ट मीन इंडिया के पास है और वेस्ट को आज ये जरूरत है क्योंकि वेस्ट उस समय पूरी तरह से में धस चुका था। तो तो अगर ये दोनों हो जाएं, तो विल बेटर प्लेस इसी स्पीच ने एनी को चेंज कर दिया, और उसी साल एनी बीसेंट जो थी शी केम टूअर्ड इंडिया और इन्होंने अदयार में आके अपना वहां पे थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कर दिया और लग गई यहां पे आके फॉर द वेरियस सोशल रिलीजियस एंड अनदर रिफॉर्म मूवमेंट सो दैट वाज द रीजन दैट व्हाई एनी बीसेंट केम टू इंडिया एट दैट टाइम अब जब एनी बीसेंट इंडिया में आते हैं सो so इनिशियली she was interested to learn about more hindus uh, culture and

और बिकॉज ऑफ हिस हर कंट्रीब्यूशन इन्होंने लगा कि ये जो नॉलेज बंद पड़ी हुई है संस्कृत की इसको बाहर ले जाने की जरूरत है एंड विद द सपोर्ट ऑफ सम अनदर पीपल इन्होंने स्टैब्बलिश किया वाराणसी के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898 जो हमारा बाद में मदन मोहन मलवैया की कंट्रीब्यूशन के चलते आज की हमारी मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका लिंक भी हमें एनी बीसेंट के साथ मिलता है इसके बाद इन्होंने मद्रास प्रेजिडेंसी में ही एक नेशनल कॉलेज भी स्टैब्लिश किया और एक सोसाइटी बनाई सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन जिसके अंदर इन्होंने दो तीस तीन साल काम किए ताकि एजुकेशन क्योंकि हमारे जितने भी उस समय के लर्न स्कॉलर्स थे वो चाहे हम अगर कांग्रेस के भी मॉडल लीडर की भी बात करते हैं उनका यही मानना था कि एजुकेशन इज द वन सोल्यूशन जो हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है क्योंकि मास्टर्स वाज़ नॉट एजुकेटेड एट दैट टाइम तो जिसके लिए इन्होंने एजुकेशन के अंदर अपना काम किया 1918 में इट वाज़ नेशनल यूनिवर्सिटी अध्यार में स्टेब्लिश की गई जिसके चांसलर कौन थे श्री रविंद्रनाथ टिगोर एंड वाइस चांसलर थे एस सुब्रमण्यम अय्यर जिन्होंने ए इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन तो जो जिन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री की जो इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने काफी वर्क लिखा है 1917 के अंदर वोमेन के काज के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जो बाद में ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस बनी एंड टू प्रमोट द फिजिकल वर्कआउट एंड कल्चर एंड टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग द यूथ इनके द्वारा एक बॉडी बनाई गई दैट इज द इंडियन बॉय स्काउट मूवमेंट दैट इज अगेन ए वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट बॉडी जो है ऑर्गेनाइजेशन है स्काउट मूवमेंट की जो इनके द्वारा जिसको एस्टेब्लिश किया गया अब ये सीज़े यहाँ पे चल रही थी साथ साथ में लेकिन एनी बीसेंट ने सोशल में भी काम कर लिया रिलीजन में भी काम कर लिया अब बचा क्या पॉलिटिक्स में अब एनी बीसेंट पॉलिटिक्स में कैसे आते हैं एनी बीसेंट शुरू से ये मानते थे कि जो इंडिया है इट इज ए रिच लैंड बट इट इज ए मिस और एनी बीसेंट यह भी, भी मानती थी कि द सन ऑफ सॉइल्स दॉल्स आर नॉट ओनली एक्सप्लॉटेड नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेटेड बट द सन ऑन सॉइल दे आर नॉट गेटिंग देयर बेसिक राइट जो उनको मिलने चाहिए थे और इसका क्या कारण है इसका कारण है द वे द ब्रिटिश आर रूलिंग इन इंडिया एंड दिस वॉज द पॉइंट जो ब्रिटिश को भी अंदर से हिला के रख दिया क्योंकि अब आप उनके सामने जो उनका एंड खड़ा हुआ था वो एक इंडियन नहीं था वो एक ब्रिटिश सिटीजन था और बीइंग ए ब्रिटिश शी वाज चैलेंजिंग द ब्रिटिश एम्पायर और अपने ही गवर्नर को बोल रही थी कि यू आर मिस ट्रीटिंग यूर इंडियन सब्जेक्ट एट दिस टाइम और यहां पे Decent, क्योंकि लंदन में उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है उन्होंने पॉलिटिक्स में मूवमेंट के लिए काम किया था और उनको पता था कि एक जरिया जहां से हम एक मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं और वो जरिया क्या है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा एक पब्लिक ओपिनियन लोगों के अंदर एक सोच पैदा करनी होगी और सोच कैसे पैदा होती है मीडिया आज भी तो मीडिया ही है ठीक है तो उस मीडिया के लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने एक वीकली पेपर स्टार्ट किए जैसे कि कॉमनवील और इसके बाद मद्रास स्टैंडर्ड नाम का एक पेपर था जो इसने परचेज कर लिया इसको बाद में नाम रखा गया न्यू इंडिया ये दो पेपर थे कॉमनवील एंड न्यू इंडिया ये बहुत बार एग्जाम में इनके नाम आए हुए हैं तो दो पेपरों के मीडियम से एनी बीसेंट ने अपना जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसको सेपरेट करना शुरू किया और इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बेसिस क्या था व्हाट वाज ही डिमांडिंग सेल्फ रूल ऑन द सेम पैटर्न एज यू हैव गिवन टू द कनाडा ऑस्ट्रेलिया अदर कॉलोनीज तो इंडिया को भी अपना सेल्फ रूल मिलना चाहिए अब इन पेपर के मीडियम से पॉपुलैरिटी बहुत राइज हो गई एनी बीसेंट वाज बिकमिंग ए वेरी पॉपुलर नेम इन इंडिया एट दैट टाइम जिससे जो ब्रिटिश थे ये घबरा गए इनको लगा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो 1857 का जो इवेंट थी वो बैक ऑफ द माइंड पे इनकी हमेशा चलती रहती थी so बोला किसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे so तब इन्होंने क्या किया अब ब्रिटिश उस समय बड़ा फंसे हुए थे क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वार वन चल रही थी और वर्ल्ड वॉर वन के चलते इंडियन सोल्जर दे वर फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश काज इन द लैंड और उस समय महात्मा गांधी इन सब लोगों ने सपोर्ट किया था कि वी हैव टू सपोर्ट द ब्रिटिश रूल एंड टाइम यह भी किया इन्होंने ब्रिटिश ने क्या बोला था सपोर्ट लेने से पहले कि आप हमें सपोर्ट दो हम आपको आजादी देंगे और ज्यादा नहीं देख रहे सेल्फ रूल तो दे ही देंगे ना हम आपको तो ये कुछ प्रोमिस किए गए थे अब इन्होंने क्या किया अलोंग विद बाल गंगाधर तिलक क्योंकि समय बाल गंगाधर तिलक भी जेल से वापस आ गए थे और बाल गंगाधर तिलक और एनी बीसेंट ने अपना होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग कर दी डिमांड थी सेल्फ रूल की इधर वर्ल्ड वार वन लगी हुई है उधर ये मूवमेंट ब्रिटिश फंस गए ब्रिटिश को लगा कि सबसे पहले तो इसको दबाया जाए दबाना किसको है एनी बीसेंट को एनी बीसेंट को इन्होंने अरेस्ट कर लिया अपने दो पुलिस के साथ इनको एक हिल स्टेशन पे ले गए जब इनको वहां पे हिल स्टेशन पे ले गए इनको हाउस रेस्ट वहां पे किया गया था वहां पर भी एनी बीसेंट ने एक झंडा चढ़ाते थे जो एक हरे हरे रंग का होता था एक लाल रंग का होता था एंड शी ओपनली प्रोटेस्टिंग द हाउस रेस्ट एनी बीसेंट का रिलेशन उस समय हर मेजर लीडरशिप के साथ था चाहे वो विद इन कांग्रेस था चाहे वो मुस्लिम लीग थी एम और होम रूल लीग को बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी सपोर्ट कर रहे थे तो जिसके चलते जो एनी बीसेंट थी जब अरेस्ट के चलते चाहे वो महात्मा गांधी थे चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे चाहे मोहम्मद अली जिनाह जो थे इन्होंने सब ने ओपनली कहा के, अगर आपने एनी बीसेंट को नहीं छोड़ा तो हम ओपन रिवोल्ट पे आ जाएंगे एक प्रोटेस्ट मोमेंट खड़ी कर देंगे तो तब मजबूरन अंडर प्रेशर जो ब्रिटिश थे उनको एनी बीसेंट को रिलीज करना पड़ा और बिकॉज ऑफ हर दिस पॉपुलैरिटी एंड एक्टिविटी उन्नीस का जो कैलकाटा का सेशन था इसकी प्रिजाइडिंग जो थी एज ए प्रेजिडेंट एनी बीसेंट ने इसको प्रेजिडेंट किया एट दाउ दैट इज हाउ शी बिकम द फर्स्ट वोमेन टू हेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम तो एक ब्रिटिश ओरिजन और आयरिश ओरिजन लेडी कांग्रेस को यहां पे हेड कर रही हैं तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे देखते हैं अब उस समय जब ये मूवमेंट चलाई जाती है 1915 के चलते महात्मा गांधी भी सीन पे आ जाते हैं अब महात्मा गांधी जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह खेडा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो होती हैं उन्नीस के दौर के पास जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा राइज करता है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है और इसी पॉपुलैरिटी ग्राफ के राइज करने से क्या होता है कि एनी का थोड़ा डिक्लाइन हम यहां पे देखेंगे, के पास क्योंकि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको मंटेग्यू चैलेंज फॉर्म रिफॉर्म एक्ट के नीचे हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे तो सेल्फ रूल की डिमांड कर रही थी वो उन्होंने कहा हम आपको दे दें कि तो काम यहाँ पे खत्म हो गया अब वाइ एनी बीसेंट वॉज नॉट है महात्मा गांधी लेकिन पोलिटिकल आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क था एनी बीसेंट ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था इसके कुछ वजह थे पहली वजह यह थी कि एनी बीसेंट का ये मानना था कि महात्मा गांधी एक सेंट है शी इज नॉट ए पॉलिटिशियन उन्नीस सौ उन्नीस में फरवरी उन्नीस सौ उन्नीस में महात्मा गांधी के द्वारा रॉयलट टेक्ट के अगेंस्ट में एक ऑल ओवर इंडिया में एक सत्याग्रह लॉन्च किया गया था वो सत्याग्रह का लॉन्च करते हुए बहुत सारी वायलेंस भी हो गई थी तो जिसके चलते अनिल बीसेंट ने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी किया था कि अभी जो हमारी पॉपुलेशन है वो ना तो ट्रेंड है ना वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को समझ सके और वायलेंस को डील कर सके सो so, ऐसे में अनट्रेड पॉपुलेशन को आप इतनी बड़ी मूवमेंट में धोख रहे हो तो इट इज नॉट ए राइट वे टू ऑफ और दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे गांधी जी को उसको लिए जो था क्रिटिसाइज भी किया था और ये गांधी जी ने भी आगे माना था गांधी जी ने माना था कि यस आई हैव कमिटेड है हिमालयन ब्लेंडर उन्होंने कहा था कि विदाउट ट्रेनिंग द पीपल इन द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह मुझे इतना बड़ा मास मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए था और महात्मा गांधी के लिए थोड़ा ये था कि जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लोग हैं दे आर बेसिकली सोसाइटी वर्किंग मोर ऑन द इंटेलेक्चुअल फ्रंट ये इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे ज्यादा काम कर रहे हैं और द ऑन द ब्रदरहुड एंड ऑल दिस वेयर ये सब चीजें जो हैं ये इसके ऊपर इनका कुछ ज्यादा काम नहीं तो सम डिफरेंस जब गा, गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई थी तो एनी बीसेंट ने इसको सपोर्ट नहीं किया था उनका मानना था कि व्हेन द गवर्नमेंट इज एग्री टू गिव अस द सेल्फ रूल तो ऐसे में अगर हम उनके साथ कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं उनसे अलग हो रहे हैं तो इट विल क्रिएट मोर गल्फ ये हमारे डिफरेंस और बढ़ा दी ये सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम को और भी ज्यादा दूर करेगी सो दैट इज वाई ये नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इसके बाद उन्नीस में इन्होंने एक नेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर इन्होंने एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बनाया यानी कि जो फ्यूचर का इंडिया होगा वो किस तरह का होगा क्या वहां पे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक राइट्स होंगे इसके ऊपर इन्होंने वहां पे अपना लिखा हुआ उसके अंदर लेकिन ये कभी फाइनली बन नहीं पाया और 1925 के बाद इन्होंने अपना जो पूरा टाइम था सी स्पेंड इन बाद और यहीं से 1933 में इनकी डेथ हो गई और यहीं पे इनको क्रिमेट भी किया गया था सो दिस वाज द लाइफ एंड द जर्नी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी बीसेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड दिस टाइम अगर इनके हम लिटरेरी वर्क को देखेंगे तो शी हैज रिटन मेनी इंपॉर्टेंट वर्क इन दिस पर्टिकुलर वे और अगर पॉपुलर वर्क हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वोमेन इशू के ऊपर शी रॉट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इन 1874 क्रिश्चियनिटी के ऊपर इनके द्वारा वर्क लिखा गया रिलीजियस फ्रंट के ऊपर द लॉ ऑफ पॉपुलेशन जिसमें बताया था कि बर्थ कंट्रोल को लेकर भी इनका एक अपना व्यूज रहते थे ठीक है तो काज के लिए टू एथिज्म मैरिज के ऊपर वर्क लिखा

धर्म एंशियंट विस्टम इनके द्वारा ये कुछ वर्क लिखे गए जो कि इंडियन स्क्रिप्चर और इंडियन कल्चर के ऊपर लिखे गए थे। सो स्टूडेंट दिस वॉज द ए स्मॉल टॉपिक एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनी बीसेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल देयर ठीक है जी